नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप सीरीज में। देख के आप समझ तो गए होंगे, आज हमारे साथ हमारे बीच हैं इंडियन कल्नरी किंग, और यदि भारतीय पाक विधाओं के भगवान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नामचीन शेफ मंजीत गिल साहब का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर दहिया, मेरे को इस सीरीज में लेके आने के लिए, और आपने जो इतने बड़े बड़े लफ्ज मेरे नाम के साथ लगा दिए हैं, इनसे खुशी भी होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जो कि अपना उस चीज को कायम रखने के लिए और काम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारतवर्ष और युवा विशेष तौर पर ऋणी हैं आपके, जिस तरह से आप इंडियन कल्नरी कुजीन को प्रमोट कर रहे हैं। यू आर अ ट्रू एम्बेसडर टू इंडिया। सर, आप लाखों युवाओं की प्रेरणा के स्रोत हैं। कृपया हमारे युवाओं को ये बताएं कि भारतीय पाक कला, पाक विधाएं, इंडियन कुजीन है क्या। शुरुआत करते हैं इस बात से। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो है, पहले तो इस कला में आने के लिए ये जरूर अपना एक एनालाइज कर ले अपने आप को कि वो वाकई इस कला में आना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहते हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सामने रखते हुए ही डिसाइड करें और इस कला में आने के लिए। फिर इस कला में आने के बाद उनके भी, इसके भी एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है उसमें, और एक बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो बहुत क्विक है, और एक अच्छी कला को हासिल करने के लिए और उन स्किल्स को अचीव करने के लिए उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और तो विद टाइम के साथ ही मैच्योरिटी होती है और एक अच्छा कलाकार आप बन सकते हैं और एक बहुत मजे हुए कलाकार आप बन सकते हैं। सिर्फ टाइम और प्रैक्टिस चाहिए। हार्डवर्क जो है वो, आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आपको हार्डवर्क तो बहुत ज़रूरी है। बिना हार्डवर्क के जो है वो काम नहीं बनता। फिजिकली भी हार्डवर्क करना पड़ता है, मेंटली भी हार्डवर्क करना पड़ता है, दोनों का बड़ा संतुलन रखे हुए चलते हैं। फिर स्लोली स्लोली एक टाइम आता है कि आप जो है अपने हार्डवर्क को इंजॉय करने लग जाते हैं और अपने काम के अंदर आप अपनी कला में भी और सोसाइटी में भी उसको कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। उसका एक बहुत मज़ा और एक बड़ा अच्छा ये देखा गया है कि हमारी कला से और हमारे पाक कला से एक सोसाइटी के अंदर भी और सोसाइटी को बे कंट्रीब्यूट करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। तो शेफ गिल ने आपको एक खूबसूरत सा टिप दे दिया है कि धीरे धीरे, हौले हौले अपनी कला को विकसित करते जाएं और अपने जज्बे को आगे बढ़ाएं और आप कल्नरी में आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसे ही बात करते हैं इंडियन कुजीन की, लोगों के मन में ख्याल आता है, हमारे फॉरनर फ्रेंड्स बात करते हैं, इट इज स्पाइसी। थोड़ा सा इस पे बताइए सर कि क्या है वास्तव में भारतीय कुजीन। हमारे दर्शकों को इस बारे में कृपया जानकारी दें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि, और ये मैं अब समझता हूँ, मेरे को 40 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए, अब मेरे को भी ये समझ आई है कि अपने खाने के बादे में बात करने के लिए उसका भी हमें एक तरीका चाहिए और एक उसकी समझ चाहिए कि हमने अपने बारे में क्या बात करनी है। और एक्चुअली हमारा जो खाना है वो स्पाइसेस से कुक होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिली हॉट है, और मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को स्पाइसी वर्ड यूज़ करने से पहले एटलीस्ट डिक्शनरी में तो मीनिंग देख लीजिए स्पाइसी का मतलब क्या है। अगर बाकी लोगों को नहीं है, हमें तो समझ इस चीज़ की जरूर होनी चाहिए कि हम क्या कहते हैं। तो खाने के ऊपर कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना जो है, हम इतनी वैरायटी ऑफ स्पाइसी कुक करते हैं तो हम बहुत ही एक इतना अच्छा हमारा मिश्रण है टेस्ट के ऊपर, और हमारी जो कला है हिंदुस्तान की, हमारी जो नॉलेज है वो, और जो एवोल्यूशन है इस खाने का, वो बैलेंसिंग ऑफ 6 टेस्ट है, जो कि हम इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें हैं हमको साइंस के अंदर, जो आयुर्वेदिक साइंस है हमारी, जो हमारी इंडियन गैस्ट्रोनॉमिक साइंस है जिसको मैं कहता हूँ, कि उसके अंदर कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है पहले खाना बनाने और एक्सपेरिमेंट्स करने के पहले। क्योंकि खाना जो बनाना है वो खाने को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि अच्छी रेसिपी और रेसिपीज को ही सिर्फ नोट करके और रेसिपीज को ही फॉलो करना जी। और ये कहा जाता है कि
एक अच्छा तरीके से खाना बनाने से अच्छी रेसिपी क्रिएट होती है, एक रेसिपी को फॉलो करने से अच्छा खाना नहीं बनता है। जी, बहुत जानदार और शानदार बात शेफ गिल साहब ने कही कि जी अच्छा खाना जो है वो सिर्फ रेसिपी से नहीं बनता है, आपको उसके लिए जज्बे से लगना पड़ेगा, आपको दिल से बनाना पड़ेगा। सर, प्राय जब हम खाने की बात करते हैं तो स्पाइसीनेस एक बात अलग हुई, उस पर आपने बखूबी हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बात आती है कि जो फूड है हमारा उसमें इंडिजिनिटी कितनी है, इंडिजिनस फूड और भारत का जो पारंपरिक कुजीन है वो क्या है, उसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जो इंडिजिनस है वो हमारी साइंस है इसके अंदर जी, और ये हिंदुस्तान की भारतवर्ष की हिस्ट्री रही है कि जहाँ पे बहुत लोग आए हैं, किसी भी तरीके से आए हों, जहाँ पढ़ने लिखने आए हों, जहाँ और चीज़ों का ज्ञान लेने आए हों, इन्वेडर्स आए हों, जो भी है जी, बहुत तरीके से लोग इस देश में आए हैं और वो लेके भी गए हैं बहुत कुछ हमसे, लेकिन कुछ ना कुछ हमको दे के भी बहुत कुछ गए हैं। और हमारे ये हिंदुस्तान, हमारे ये हमारी एक क्वालिटी है हमारे अंदर, हम हर एक से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं जी, हम हंगर ऑफ लर्निंग हमारे में बहुत है, हमारे ये जीन्स में इस तरीके से है। तो हम उन लोगों से हमने सीखा, हमने उन लोगों के खानों को भी देखा, उन लोगों को जो चीजें लेके आए जहाँ पे, कुछ नई इंग्रेडिएंट्स लेके आए, उनको भी हमने यहाँ पे उनको एक्सेप्ट किया और अपना यहाँ ग्रो किया और अपने खाने में इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर, वो ये है कि हमारे जहाँ पे बहुत एंशियंट टाइम से, जिस हम कहते हैं 5000 ईयर्स सिविलाइजेशन है हमारा पुराना, तो हमारी एक साइंस, वेरी वेल एस्टेब्लिश साइंस है खाने के ऊपर, हमारी गैस्ट्रोनॉमिक साइंस, उस हमने हर चीज जो भी बाहर से आई, चाहे वो आइडिया आया चाहे इंग्रेडिएंट आया, हमने उसको नाप तोल किया है अपनी साइंस के साथ, अपनी समझ के साथ, और उसको फिर उस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है। बहुत एग्जांपल मैं इस चीज के ऊपर दे सकता हूँ पुरानी, और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल नई एक एग्जांपल दूं, जो कि इंग्रेडिएंट और जो पौधा हिंदुस्तान में 150-200 साल पहले आया है सिर्फ, उससे पहले हमारी 5000 ईयर्स की सिविलाइजेशन में वो पौधा नहीं था हमारे यहाँ, और वो पौधा है चाय का पौधा जी, जी। और वो चाय का पौधा 150-200 साल पहले आया, उसको चाइना से लाया गया और अंग्रेज लेके आए उसको जी। हमारे यहाँ कुछ नहीं था उसको, हमें उसकी कोई समझ नहीं थी, नहीं थी, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया जी। और आज हम बहुत प्राउड करते हैं कि चाय हमारी है जी। और हम बहुत बड़े प्रोडक्शन भी हमारी दुनिया में, हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, हमारी इकोनॉमी है, बहुत कुछ लाई करती है चाय के ऊपर, हम कहते हैं चाय हमारी है जी। तो हमने 200 साल में उस चाय को जी समझने की कोशिश की, उस पौधे को जी, और चाय हमने उसको देखा किस तरीके से हमारे लिए चाय जो है वो सेहत के लिए अच्छी है जी। तो हमको 150-200 साल लगे जी, और किसी भी इंग्रेडिएंट को समझने में कितना टाइम लगता है खाने में जी, ऑब्जर्वेशंस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, कि हमको चाय कैसी पीनी चाहिए जी, और हमें चाय कैसी बनानी चाहिए, और हमें हमारे खाने में स्पाइसेस का बहुत रोल है, तो हमारे चाय में हम किस तरह के स्पाइसेस को यूज कर सकते हैं, वो हमारे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हर रीजन में। अब अगर हम देखें तो हमारे हर रीजन में चाय की पत्ती को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कुकिंग के स्टाइल अलग अलग है, मसालों के स्टाइल मिक्सिंग जो है वो डिफरेंट है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ हम चीज को समझते हैं। तो आप देखिए कि हमने जिस तरीके से चाय बनाई, जिसको कि आजकल मसाला चाय कहते हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो रही है, और एक्सपेरिमेंट्स के साथ देखा गया है कि जब हम इलायची डालते हैं चाय के अंदर जी, उससे उसकी कैफीन जो है वो कम हो जाती है, मिटिगेट भी हो जाती है, तो उसके कारण हमें चाय की कैफीन हमारे पे इफेक्ट नहीं करती है जब हम मसाला चाय पीते हैं। तो देखो कि हमने वो चाय का इंग्रेडिएंट कौन लेके आया, कहाँ से आया, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट करके अपने टी में उसको डाल के इस तरीके से पीनी शुरू की है, जो हमारा तरीका है और हमारा इंडिजिनस है 100%, और जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो रहा है, और बहुत जगह मसाला चाय जो है पॉपुलर हो रही है, लोग पी रहे हैं उसको। तो ये है हमारे साइंस, हमारी इंडिजिनस गैस्ट्रोनॉमिक साइंस का रिजल्ट जो है वो ये है। इस तरीके से बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है
जिनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों कितनी खूबसूरती से शेफ गिल साहब ने आपको ये बताया कि ना केवल इलायची वाली चाय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अभी तो हमारी भारतीय संस्कृति और भोजन किस तरह से जुड़े हुए हैं। देखिए ना कितनी अनूठी संस्कृति है हमारे देश भारत की कि कोई भी अच्छी चीज हो बड़े प्रेम से सद्भाव से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। बात जब संस्कृति और भोजन की आती है और साथ में गिल साहब हो तो यह प्रश्न पूछना लाजमी है कि सर प्राय जो है लोग हेल्थ फूड्स के नाम पर ये कहते हैं कि आप मेडिटेरेनियन फूड खाइए बहुत हेल्दी है, इंडियन कुजीन के नाम पर कई जगह मिथ फैला दिया जाता है कि फैट है ऑयल है, आप इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, हाउ हेल्दी इज इंडियन फूड? साहब मेरे हिसाब से अगर पूछें तो बाकी काफी लोग मेरे से सहमत नहीं कर पाते हैं, पर मैं अभी भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज को कि उनकी सहमति इसलिए नहीं है कि उनको इग्नोरेंस है हमारे खाने की। जी हमें अपने खाने को समझना बहुत जरूरी है, इसकी साइंस को समझना बहुत जरूरी है और हमारा खाना बहुत हेल्दी खाना है। और मैं इसलिए कहता हूँ इसमें अगर हमारे खाने की इतने हजार साल पहले खाने का जो एवोल्यूशन है अगर उसको है ही दो पॉइंट्स के ऊपर वेलनेस पे एंड सस्टेनेबिलिटी पे, जिसका फाउंडेशन के ये दो पिलर हैं जी, वो गलत कैसे हो सकता है जी। अब हमको उसकी इतनी समझ है किस तरीके से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी पे जो चीज खड़ी है फाउंडेशन पे वो सेहत के लिए खराब नहीं हो सकती, हमको समझना है उसको। तो हमारा खाना जो है बहुत ही वेल एस्टेब्लिश ऑब्जर्वेशंस के साथ उसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस लाके उसको एस्टेब्लिश किया गया है और उसके अंदर जो साइंस ऑफ सिक्स टेस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो पूरी दुनिया में मिसिंग है, हम लोग उसको ज़्यादा समझते हैं, हमारी साइंस ज़्यादा समझती है। तो इसलिए बात और सिर्फ यही है, खाना जो पहले था वो भी अच्छा है, वही खाना आज भी अच्छा है, लेकिन विद द टाइम चीज को मॉडरेट किया जा सकता है। अगर लोग कहते हैं कि पहले फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती थी अब कम होती है तो उसकी कंजम्पशन और क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो खाना खराब था जी। खाना वो बिल्कुल ठीक है और हमको अपने खाने को समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसकी सीजनलिटी, इसके इंडियन गैस्ट्रोनॉमिक सीजन जो है, छह टेस्ट की जो साइंस है, इनका जो दोनों का मिलके है, कौन सा टेस्ट किस सीजन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है कौन सा कम होता है, इन सब चीजों को समझने के बाद हमारे जो है पेयरिंग और फूड और ये सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। मैं आपको दो चार एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो मैं बड़ी बार रिपीट करता हूँ उस चीज को, क्योंकि बहुत जरूरी है कि खाना जो है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। खाना कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है जैसी कोई फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है जिसको कि आप कहीं से उठा लो कहीं रख दो, इसको समझने की जरूरत है और ये बॉडी से रिएक्ट करता है और यही एक चीज है जो बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होती है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो बॉडी में अब्सॉर्ब होती है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको फेंक सकते हैं, खाने को आप निकाल नहीं सकते फेंक नहीं सकते, रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में रहता है। तो इसके लिए हमारे हमारी जो विजडम जो बुक्स ऑफ विजडम है इनके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि चार एसेंशियल जो है वो हमारे खाने के लिए हमारी कुकिंग के लिए बहुत जरूरी है और जो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, उस चीज को समझना चाहिए और हमारा काम है कि दुनिया को बताना। पहला है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्रेडिएंट, हर इंग्रेडिएंट की गुणवत्ता तुम्हें पता होना चाहिए जी। अगर आपके पास गुणवत्ता नहीं है, मैं एक चीज और बता दूं इनको चारों को मैं बताने से पहले कि हम लोग बहुत लूजली कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं और करते हैं, वो है कि खाना जो है वो दिल से बनाना चाहिए जी। खाने के बनाने के लिए पेशेंस होने चाहिए जी। खाना बनाने के लिए आपको उसके उसमें प्यार से लव से बनाना चाहिए, इस तरह की बहुत स्टेटमेंट्स है, पर मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स का मतलब बड़ा मुश्किल है समझना कि अब हार्ट कैसे डालना है, पैशन कैसे रखने हैं, पर अगर ये सब चीजें तुम्हारे हैं तुम्हारे अंदर कोई भी काम करने के लिए तो आपको ये चार चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। अगर वो चार चीजें फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें उस चीज को क्वालिफाई करती है, उस चीज को आपको समझा देती है। नंबर वन जैसे मैंने बोला गुणवत्ता जो है
वो हर इंग्रेडिएंट जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आपको उनकी पता होना चाहिए जी। और जैसे अब आप उसी अगर पता होगा तो आपकी जो पेयरिंग है, आप जो किस मौसम में क्या इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो वो अगर आपके पेशेंस है, पैशन है आपका, उसके अंदर पेशेंस भी है, पैशन भी है, लव भी है, फॉर हार्ट भी है, तो तुम ज़्यादा उसको पढ़ लिखे समझ के नो उसके अवेयरनेस के लिए आप कोशिश करेंगे। नंबर दो है कि आपको इमोशनली खाने के साथ आपका टच एंड फील होना चाहिए। आप जहाँ खाना बनता है वहाँ से खाना किसी को बता के समझा के भाग नहीं सकते, आपको टाइम टू टाइम खाने को टच एंड फील इमोशनली आपको लिंक होना पड़ेगा खाने के साथ। नंबर थ्री है कि आपका जो माइंड है वो वही होना चाहिए जो खाना बनता है। आपका माइंड ट्रैवल नहीं करना चाहिए, फिजिकली आप वहाँ है, माइंड कहीं और ट्रैवल कर रहा है, तो इट इफेक्ट्स दी फूड। इस तरह लोग आज बातें करने लग गए हैं वैसे कि जो खाना बनाता है उसका माइंड रिफ्लेक्ट करता है खाने में जी। तो वो रिफ्लेक्शन तभी पॉजिटिव पॉसिबल है और इन पॉजिटिव सेंस में अगर वो वहाँ पे है, इज ए वेरी हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन जी। नंबर फोर्थ है कि अच्छे ख्याल माइंड में होने चाहिए जी। खाना बनाते समय तुम्हारा माइंड वहाँ ही होना चाहिए और ख्याल पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप ये चार चीज़ें अपने खाने में डाल देते हैं, आपका खाना जो है वो डेफिनेटली जिसके लिए भी बना रहे हैं स्वादिष्ट भी होगा और उसकी वेलनेस के लिए भी वो बहुत बढ़िया खाना होगा। और यही फर्क होता है जब कहते हैं कि मदर समवेयर ये चारों एसेंशियल्स डालती है तो लोग कहते हैं मदर का खाना बहुत स्वाद है। तो ये मैं चार चीज़ें जरूर शेयर करना चाहता था कि सबके लिए पता होना चाहिए। और ये चीज़ें हम कमर्शली इन द किचन में मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप सब लोग भी कर सकते हैं जी, अगर समझे तो जी। तो देखिए ना दोस्तों, कितनी खूबसूरती और सहजता के साथ शेफ गिल साहब ने दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी। पहला कि भारतीय फूड की नींव ही है वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी। तो जो वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी पे है वो खराब हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। निश्चित है अति हर चीज की बुरी है। अब आप अति में घी खाएं, अति में नमक खाएं और कहें कि साहब भोजन के कारण हम बीमार हुए हैं तो माफ कीजिएगा, वो आपकी लापरवाही है, आप उसमें अति ना करें। और दूसरा, आपको गिल साहब ने अवगत कराया कि हमारे चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो इन सब पे चर्चा जारी रखते हुए चलिए आपको एक और विषय की ओर लेके चलते हैं कि गिल साहब ना केवल एक कॉर्पोरेट शेफ रहे हैं, आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बखूब निभाई है। आपके फिलेंथ्रोपिक अप्रोच का ही ये नतीजा है कि आपने इंडियन फेडरेशन ऑफ कल्नरी एसोसिएशन बनाई। सर कृपया हमारे दर्शकों को इंडियन फेडरेशन ऑफ कल्नरी एसोसिएशन के बारे में भी बताइए। जब काम करते समय ये रियलाइजेशन होता है कि आपने सेल्फ डेवलपमेंट करना है और सेल्फ को ग्रो करना है, और ये देखा गया है कि किसी भी प्रोफेशन में आप अकेले आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते, आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन के साथ मिलके चलना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत, उनके इंटरेक्शन, उनके नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें करके ही सब एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं ग्रो करने के लिए और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने के लिए भी, जिससे कि हम अपना प्रोफेशन को ग्रो कर सकते हैं, जो क्या है रोल मॉडल्स रेडी हो सकते हैं और जो है लोगों को भी अवेयरनेस ला सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उसकी जो भी साइंस है वो शेयर कर सकते हैं। सो किसी भी नॉलेज का अगर फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको शेयर नहीं करते हैं, अगर हम लोगों को पास नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने शेफ्स को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो हमने एक मतलब स्मॉल फोरम बनाए, जब फेडरेशन से नेशनल बॉडी भी बनाई। उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि अपनी खाने को दूसरे लोगों के साथ भी मिक्सअप करना और उनके साथ उनसे भी सीखना और अपने खाने के बारे में भी लोगों को बताना। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम इंडिया जो है वो एक वर्ल्ड बॉडी का भी मेम्बर होना चाहिए प्रोफेशनल लेवल पर, लाइक बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं सबकी कोई ना कोई वर्ल्ड बॉडीज हैं, सब उनके साथ मिले हुए हैं। तो हमने बड़ी कोशिश करके 2003 में इंडिया को मेंबर बनाया वर्ल्ड शेफ्स बॉडी का, वो जो एपिक्स बॉडी है और ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड बॉडी है वर्ल्ड की, जिसमें अब 107 कंट्रीज उसकी मेंबर हैं। तो उसका बॉडी का हमने मेंबर बनाया और उसके साथ भी हमारे नेशन हमारे इंडिया में एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए और
बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन और नेटवर्किंग हुई, जिससे कि ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी जो शुरू हो गई और नए लड़के को भी समझ आने लगा और उनकी भी एक्सेप्टेबिलिटी और उनका भी रिकॉग्निशन जो है वो बहुत बढ़ गया। तो इसलिए इस सब चीज़ों को सोचते हुए हमने स्लोली जब ये काम शुरू किया, बाकी लाइक माइंडेड शेफ्स भी बहुत अच्छे अच्छे साथ लगे और सब मिलजुल के हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हम लोग जो है नॉलेज शेयर कर सकते हैं और बाकी लोग सेमिनार्स वर्कशॉप्स बहुत कुछ होता है जिसके कारण के ये अच्छा जो है नॉलेज स्प्रेड हो रही है जी। तो दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ कल्नरी एसोसिएशंस, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली उसकी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप अटेंड भी कर सकते हैं। अब चलते चलते एक सवाल जो एक कॉमन मैन के जहन में आता है वो शेफ साहब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप देखिए ना, जिंदगी की भाग दौड़ में एक साधारण आदमी परेशान होता है, एक तरफ नौकरी पे जाने का झंझट, उधर बच्चों की फीस भरने का झंझट, परिवार की समस्याएं और स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमें घेरे रहता है। आप एज अ शेफ उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए क्या हेल्दी फूड सजेस्ट करेंगे या वो क्या हेल्थ फूड्स कंसिडर कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर दहिया। इसका मैं ये बड़े डिफरेंट तरीके से लोगों से बात करता रहता हूँ इसके ऊपर। देखो, जिंदगी के जितने भी स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो तभी आप पॉजिटिवली और तरीके से और खुशी से निभा सकेंगे अगर आपकी सेहत ठीक होगी। तो अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, ठीक भी एनर्जी नहीं है, तो आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप स्ट्रेस प्रेशर्स ले सकते हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपनी सेहत ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी आप जरूर समझिए कि हम दुनिया भर की रिसर्च करते हैं गूगल पे भी और बहुत अच्छे और तरीकों से भी, और दुनिया भर की नॉलेज को हम पाना चाहते हैं। आप उनमें शायद 5-5% अपनी नॉलेज को कम कर दीजिए, बेटर है खाने पर नॉलेज को बढ़ाइए। अपने नॉलेज खाने पे बढ़ानी है अपने लिए, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में नहीं है, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए बढ़ानी, अपने लिए नॉलेज देखनी है कि आपकी बॉडी जो है, आपकी जो बॉडी केमिस्ट्री है, आपकी जो बॉडी क्लॉक है, वो कैसे खाने से रिएक्ट कर रही है। और खाना जो है बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक है, एक ही खाना जो है, तभी हमने देखा है अभी लास्ट मैनी ईयर जब से न्यूट्रिशन साइंस बनी है लास्ट 70-80 ईयर्स से, और उसकी जितनी भी गाइडलाइंस एक जर्नल गाइडलाइंस आती है वो हर एक को सूट नहीं करती है। फूड बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, वो हमारी आयुर्वेदिक साइंस में बहुत सिंपल तरीके से है। वो जो कफ पिता है वता, जो बॉडी के तीन टाइप है, आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि आप किस बॉडी टाइप के हैं। जब आप बॉडी टाइप समझ जाएंगे अपनी, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं ये दिखने के लिए, और बॉडी टाइप समझ जाएंगे आपको ये भी समझ आएगी किस टाइप का खाना आपको खाना पड़ रहा है। और दूसरा एक बहुत ज़रूरी है, ये मेरी एक गुजारिश है सब लोगों से कि खाना बनाना जो है उसको एज ए हॉबी जरूर रखिए अपने पास। आप बनाइए जरूर खाना, बिकॉज अगर आप खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि खाना जो है वो मोमेंट टू मोमेंट, डे टू डे, और आपके प्रीवियस खाने से और अगला खाना क्या खाना है आपने, इन सब के साथ आपका जो प्रेजेंट का खाना जिस टाइम पे आपने खाना खाना है वो डिफर कर जाता है। आपका माइंड गाइड करता है आपको कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या खाना खाना है। तो आप वो तभी कर सकते हैं अगर आप खाना बनाने का कुछ थोड़ा सा शौक रखें और बनाने की कोशिश करें। खाना बड़ा सिंपल चीज़ है बनाने की, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट सिंपल। पर उसमें आपको फायदा ये होगा कि खाना बनाने के हर स्टेप पे आपका कंट्रोल है, आपका जैसा माइंड कहता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और आप देखेंगे उसका एंड रिजल्ट जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री और बड़ी आपको हैप्पीनेस देगा। जब आपको हैप्पीनेस मिलती है तो आप अपने आप हर चीज़ पॉजिटिव में बदल जाती है, आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाता है, आपकी प्रेशर भी ख़त्म हो जाते हैं, आपको टाइम मिल जाता है देन टू थिंक इन ए पॉजिटिव वे। तो खाना बनाइए, उसको कंट्रोल करिए अपने माइंड के हिसाब से, और उसको आप खुशी के साथ खाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत चीजें जो हैं वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि गिल साहब ने हमें एक और महत्वपूर्ण टिप दिया, फूड फॉर थॉट। भाव से बनाइए, चाव से खाइए। जी हाँ,
और जिसने खाना बनाया है उसको धन्यवाद देना ना भूलें। तो आज ही जब आप ये वीडियो देख चुके हों, आप अपनी माँ को, अपनी बीवी को या जिस किसी ने भी आपके लिए खाना बनाया है उसको एक्नॉलेज करें, उस फूड को अप्रिशिएट करें और उस बनाने वाले को दिल से धन्यवाद दें। गिल साहब से तो दिल करता है कि बात यूं ही यूं चलती रहे, लेकिन समय की मर्यादा है। फिर मुलाकात होगी आपसे हमारी अगली लीडरशिप सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल इंडिया होस्ट को यूट्यूब पे। आपका दिल से धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। नमस्कार।